नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतू से लक्ष्य। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द्विघात समीकरण के सवाल करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड। तो आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है और इस गारंटी, इस विश्वास के साथ जुड़िएगा कि ये सबसे बेस्ट मैथ क्लासेस होने वाली है इंडिया की। तो आपका पहला सवाल है, इफ़ वन इज़ द रूट ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस थ्री इज़ इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी का मान कितना होगा? अगर हिंदी में बात करें तो एक दिए गए समीकरण का मूल है, इसका भी मूल है, इसका भी मूल है। मूल का मतलब जीरोज। तो हमको ए बी की वैल्यू निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन पे नज़र डालें तो आपको दिया गया है कि एक इसका शून्यक है या रूट है या जीरोज है। तो इसका मतलब है वन इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। वाई की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, एक रख सकता हूँ। शून्यक का मतलब यही तो होता है, रूट का मतलब कि जिसके लिए इक्वेशन किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो वाई इज इक्वल टू कितना रखने पर, पुटिंग वन, वाई इज इक्वल टू वन, वाई वन रख दूंगा तो ए इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस ए इंटू वन प्लस थ्री इज, अच्छा वन का स्क्वायर वन, ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ए कितना हो गया इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा, आपका आधा काम कंप्लीट हो गया, आधा काम बाकी है। ये वेरी गुड, अभी मैं हल कर लूँ। आधा काम अभी बाकी है कि वन इसका भी रूट है, तो वन इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। अगर इसको भी करेगा तो क्या रख सकते हैं यहाँ पर, y बराबर एक रखने पर। वेरी गुड, आंसर है आपका तीन, जिसने भी निकाला है बहुत अच्छी बात है। वन रखने पर, जैसे ही वन रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। वन का स्क्वायर वन, वन वन टू, इधर से इधर जाएगा। अब हमसे ना तो a पूछा गया ना तो b पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी का मतलब है ए का बी से मल्टीप्लाई करा दें। ए की जगह कितना रख देंगे, बी की जगह कितना रख देंगे, दो से दो, माइनस थ्री माइनस वन प्लस। यही बच्चों क्या है आपका, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स प्लस के माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बोला गया इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि इसके शून्यक समान है तो के का मान कितना होगा। बच्चों आपको एग्जैक्टली रट चुका होगा, यदि शून्यक समान है तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, डी किसके इक्वल होगा। डी का मतलब क्या होता है, तो हमको तीन चीज़ें चाहिए, ए बी सी। और इस क्वेश्चन में रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना है। अच्छा, अब और आगे देखें, ए कितना है बताते जाइएगा भैया, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो कितना। अब मुझे बताइए ए कितना है, एक, गुड। बी कितना है, वेरी गुड। सी कितना है, सारी वैल्यू उठा के किस में रख दें, बिकॉज वी नो दैट इफ रूट्स आर इक्वल देन डी इज इक्वल टू जीरो, यदि मूल समान है। किसी ने रख के हल करके क्या कोई आंसर निकाला है, के की वैल्यू एक आ रही है, वेरी गुड। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू के स्क्वायर माइनस फोर। सी की जगह कितना रख देंगे, के स्क्वायर माइनस के, अच्छा टू के का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर इंटू वन, फोर, फोर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर के, वेरी गुड। माइनस का इससे करेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए चिन्ह का बहुत ध्यान देना है, इसका इसमें भी, इसका इसमें भी, इसका इसमें भी, तो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, वेरी गुड। फोर के बराबर फोर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फोर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और फोर बाई फोर कितना आ जाएगा, वन। बहुत आसान क्वेश्चन था,
हम आज स्टार्टिंग आसान क्वेश्चन से करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आपको पेपर के हिसाब से क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना, कि आप आंसर निकालिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपको आंसर निकालना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, एच एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है यदि इसके रूट्स किस रेशियो में, 2:5 के रेशियो में है, तो एच की वैल्यू बताइए। यदि इसके मूल 2:5 के रेशियो में है, तो बेटा इसके मूल मैं क्या मान लूँ, माना मूल का मतलब रूट क्या है, अल्फा कॉमा 2 ही होंगे। अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 नहीं लिखेंगे बच्चों, 2k लिख देना, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। बीटा की जगह कितना लिख देंगे, 5k लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अच्छा, दो फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, जिसको नहीं पता नहीं लिखा तो ये समझ लीजिए कि ये जानता है। अल्फा की जगह कितना रख दूंगा, 2k। बीटा की जगह कितना रख दूंगा, बी की जगह कितना रख दूंगा, -21। ए बी सी वो फिक्स है, ए की जगह कितना आ गया, 7k इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं यहां से ना तो k की वैल्यू निकल सकती है ना तो h की, पर किसी एक की वैल्यू मैं निकाल लूं, k की निकाल लूं क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेरी गुड, तो अच्छा k कहां चला जाएगा इससे, डिवाइड में। अगर डिवाइड में चला जाएगा तो -21, हाँ वो डायरेक्ट भी काट सकते, 7 के कितना आ गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला कोई सोचते हैं, दूसरा फॉर्मूला का मतलब अल्फा इंटू बीटा, जानते हैं ना, वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी बाई ए। अल्फा की जगह कितना रखेंगे, 2k, 2k इंटू सी की जगह कितना रखेंगे, 10। ए की जगह कितना रखेंगे, एच। 2k इंटू 5k कितना हो गया, 10k स्क्वायर। के स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, k की वैल्यू अभी अभी तो निकाली है, कितनी रख सकते हैं k की जगह, जिसको जहां समझ में ना आए तुरंत टोक दीजिएगा। अच्छा कुछ कट सकता है क्या, देखिए जिंदगी भर के लिए जान लीजिए, अगर इंटू में है तो इधर से इधर, क्योंकि ये नीचे जाता है तो हम ऐसे अब काटेंगे, अब हर दिन नहीं बताया जाएगा, ये मान के चला जाता है कि आप इतने होशियार हैं और ये इतना हो जाएगा। अच्छा इसके आगे इधर यहाँ पे मैं छोटा सा सॉल्व कर दूँ, कितना बन जाएगा, 9/9। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, पहले इधर से इधर लगा है, फिर इधर थोड़ा सा जो बचा है, और इधर क्या आ जाएगा, 1/h। गुड। अच्छा एक एच से एक एच मर भी सकता है, मर सकता कि नहीं मर सकता, अरे यार नीचे से ऊपर जाता है, ये सुन लीजिए, नीचे से नीचे, एच स्क्वायर का मतलब एच इंटू एच, नीचे वाला नीचे से कट सकता है, ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, यही इसका क्या होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हम जरूर क्लास 10th का पढ़ रहे हैं लेकिन एक कैट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको अच्छी पढ़ाई भी करनी चाहिए, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़े ही, कुछ चीज़ें अच्छा भी पढ़ना चाहिए। जैसे सवाल है आपके सामने, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का जो रूट्स का डिफरेंस समान है, रूट्स का मतलब इसके कितने रूट होंगे, मूल 2, इसके भी कितने होंगे, 2, जो इसका अंतर है वो इसके अंतर के क्या है, बराबर है। तो इन चार में से कौन सी बात सही है आपको ये बताना है, पहली बात सही है कि दूसरी बात सही है कि तीसरी की चौथी। अगर मैं सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक कोई बात ना करे, अच्छा इसके रूट्स क्या मान लें भैया, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मान लिया तो 2 सूत्र आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, रटा है ना, b का मतलब क्या होता है, x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा,
माइनस बी बाई ए, यहाँ बी की जगह ए है एक्चुअली में लिखा है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी की जगह क्या लिखा है, ये आ गया। अच्छा इसी प्रकार अब किस इक्वेशन पे जाएं, इसका काम नहीं है, अपना काम किसका है, कोई सूत्र बताए, मुझे याद है कि मैंने लिखाया है, हाँ अल्फा माइनस बीटा का सूत्र लिखाया, बोला था रट डालिए बहुत ज्यादा, गुड गुड, ऐसे रिलेट करके सवाल भी किए हैं, जिसको नहीं पता तो ये सूत्र अपनी कॉपी पे अभी नोट कर लीजिए, पीछे कॉपी मत खोलिए, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको अंतर चाहिए, हमको अंतर चाहिए, तभी तो निकाल रहे हैं, सपना थोड़े हमको आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, बी, तो ये कितना हो गया, ये किसका हिस्सा सॉल्व हो गया, इसका। अब किस हिस्से की बारी है, सेकंड वाले की, सेकंड इक्वेशन क्या थी, पीछे ना देखो यार, इधर देखिए, चुप रहिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि, अच्छा इसके मूल क्या मान ले, अल्फा बीटा ना माने, गामा डेल्टा, चाहे इसको अल्फा वन बीटा वन लिख दे, उसको क्या लिख दें, अल्फा टू बीटा टू, या कुछ नए नाम दे दें, नए नाम क्यों दे दें, क्योंकि सवाल वही, अल्फा डैश बीटा डैश या कुछ भी, तो मैं इसमें एक नया वर्ड इंक्लूड करता हूँ, गामा एंड डेल, आप भी देख लीजिए, गामा रेज भी होती है, डेल रेज नहीं होती, डेल का मतलब होता है मैथ में पार्शियल वृद्धि, या फिजिक्स में इंक्रीमेंट ऑन एनी थिंग्स, वो हमको नहीं करना, हम एक मान लिया गामा डेल, हमको मीनिंग से कोई मतलब नहीं, हम तो मानने को एम एन मान ले, जो मन करे वो मान। अच्छा फॉर्मूला याद है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए, यहाँ पे बी की जगह कितना है, पी, तो प्लस माइनस, ए की जगह कितना है, एक, तो ये ठीक है ना। अच्छा अल्फा इंटू अल्फा नहीं सॉरी, इसको सही मायने में समझे तो योगफल का सूत्र है गुणनफल का, जो हमने मान लिया वही लिख दिया, गामा इंटू डेल कितना हो जाएगा, ए, अरे सी बाई ए, सी की जगह ए लिखा है, इसकी जगह ये, क्या यहां से आप गामा माइनस डेल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए, गामा माइनस डेल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा वाला बच्चों लगा देंगे, यही वाला माइनस फोर गामा बीटा ना, वही चीज, अरे एक्स वाई है तो एक्स वाई में लगा देना है, ए बी में है तो ए बी में लगा देना, अल्फा बीटा में तो अल्फा बीटा में, और मैं डायरेक्ट रखूं या मैं फॉर्मूला लिख दूं, गामा प्लस डेल की जगह क्या रख देंगे। अच्छा अब आते हैं प्रश्नानुसार, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द दिस वैल्यू, गिवन है कि नहीं गिवन है, आप में से किसी ने निकाला कौन सा सही हो रहा है, अब खुद से सोचिए, मैंने प्रोसेस बता दिया, अभी डिपेंड करता कि हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, कि आप कितनी तेजी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अच्छा मैं ऊपर से हटा दूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, ये इसके इक्वल है ना, प्रश्न में बोला है। अच्छा इसकी जगह क्या लिख दूंगा, अल्फा माइनस बीटा की जगह लिख देंगे रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी, गामा डेल की जगह कितना रख दूंगा, चलिए अब मैं रुकता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइए, इसी में आगे देखें तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, अब इन चार में से कोई ना कोई आंसर होगा, अगर चार में से कोई ना कोई आंसर होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज क्या हटा दे, रूट, रूट कैसे हटा सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या हिंदी में लिख लीजिए दोनों पक्षों का, इससे जानते हैं रूट खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो ए वाले एक तरफ कर ले, बी वाले, या यूं कह दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले एक तरफ कर ले, बाकी सबको एक तरफ कर दे, ये इधर से इधर आएगा तो किसमें आएगा, ये इधर से इधर जाएगा तो किसमें जाएगा,
अच्छा इसमें कोई सूत्र याद आ रहा है? ए प्लस बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है? माइनस चार। अच्छा बताइएगा, माइनस चार लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ कैंसल हो रहा है क्या? देखिए ये गुणे में है ना, ये भी गुणे में है, या डिवाइड में चला जाता तो कैंसल हो जाता। मैं डायरेक्ट काट दूं, इतना सीख लीजिए कि ऐसे काट सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन था? सेकंड वाला ना, ऊपर ऑप्शन लिखे थे मैंने हटा दिए। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बस यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इफ सम ऑफ टू नंबर इज 18, शांत हो जाइए, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 14.1/4। इसका मतलब दो संख्याओं का या दो नंबरों का योग 18 है, उनके व्युत्क्रम मीन्स उनके उल्टे का योग कितना है? 14/1 + 4/1/4। तो संख्याएं ज्ञात करिए, तो मान ले, क्या मान ले, लेट माना नंबर क्या है बच्चों, माना संख्याएं, हिंदी में लिख लीजिए भाई, क्या है भैया? एक्स कॉमा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस वाई कितना है? 18 है। तो वाई कितना आ जाएगा? इसको क्या मान लें फर्स्ट, कहीं ना कहीं वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अच्छा दूसरी चीज क्या दी गई है? 1/ इक्वल टू कितना गिवन है? 14, यही तो दिया गया है। अच्छा इनको कैसे जोड़ेंगे? एलसीएम लेंगे, सिंपल सी बात है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना। एलसीएम एक्स एक्स मर गया, ऊपर गया, इसकी जगह फिर से क्या लिख सकते हैं? 18। गुड, क्यों लिख सकता हूँ 18? अरे यार y की जगह चाहे 18 माइनस x रख दो, चाहे x प्लस y, कितना गिवन है लिख दो ना डायरेक्टली। अरे यार या तो y की वैल्यू उठा के रख दे, चाहे अभी 18। अच्छा ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? 18 चौको एक्स वाई, वाई की जगह उठा के अब वैल्यू रख दे, 18 माइनस, अरे वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, चाहे एक्स की रखें चाहे वाई की। अब आपका बनेगा क्वाड्रेटिक, और उसका क्या करना है? सॉल्यूशन। फैक्टर करिए, जब कुछ समझ में ना आए तो क्या लगा दीजिए? धरा चाल लगा दीजिए, एग्जाम में भी लगा दीजिए। देखिए नीचे ये ऊपर, लेकिन अब फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करें? नहीं हो रहे तो फिर धरा चार ही आपके पास ऑप्शन है। और बड़ा कठिन हो गया क्या? ये वैल्यू 4 सही 1/4 होगी क्या? लिखने में गड़बड़ी कर दी। अभी कहाँ कॉमन है, पहले हल करिए। 57x का इससे होगा, 57x × 18 कहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है? 18 कहाँ कॉमन है भैया, ये दोनों इससे कैंसिल हो रहा है क्या? अच्छा तिछंग 19 + 6 = 24, डायरेक्ट काट सकते हैं ऐसे, ऐसे नहीं तो नीचे से ही आप, अरे अभी ना काटिए तो बच्चों ये कर लीजिए। चलिए नया लग रहा है, अभी काट लीजिए। कितने से कट रहा है? 3 से, 24 ते आई 19, यहाँ क्या बचा? 24, यहाँ क्या बचा? 19x का 18 से होगा 342 / 45, एक्स 19x का इससे भी होगा। अब क्या करें बच्चों, सबको एक तरफ ले जाएं, ये कितना हो गया? 19x² - 342x, नहीं ये इधर गया, ये इधर गया, ये उधर ही है, +24। वेरी गुड, अच्छा अब आपके पास एक ही तरीका बचा है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कराएं। ऐसा सोचे जब ना समझ में आए तो क्या लगा दीजिए? धारा 4 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं?
हाँ तो अब करना ही पड़ेगा, नहीं फैक्टर कर पा रहे, तो मैं यहाँ से आपके घर के लिए छोड़ता हूँ। श्री धराचार्य, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वीडियो नहीं चालू किया क्या इस बार? चालू है। माइनस बी, अरे परफेक्ट स्क्वायर तो और कठिन है यार, आधे का वो वही बात ना हो गई। हाँ वही। अच्छा इसको सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन मैं बोल दूँ, कमेंट कर दीजिएगा भाई जो निकाल के। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इतना कठिन एग्ज़ाम में नहीं आता। एग्ज़ाम में जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है कि हो सके थोड़ा सरल हो जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो गया क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई करके फैक्टर नहीं बन पा रहे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा पांचवा क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि एक मूल दूसरे मूल का दुगना दुगना है, मतलब वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपके सामने एक समीकरण ये दिया गया है, तो क्या मान ले, माना मूल क्या है? अल्फा बीटा। प्रश्नानुसार बीटा क्या होगा? एक दूसरे का दुगना है, अगर ये 10 है तो ये कितना है? 20। ये 5 है तो ये कितना है? ये अल्फा है तो ये कितना है? डायरेक्ट लिख दें। अच्छा अब आपको दो सूत्र पता है, एक कौन सा पता है? अल्फा प्लस एक्चुअली में किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए। रख दूं मैं डायरेक्टली, बी की जगह कितना रखेंगे? वेरी गुड। देखिए जब माइनस लगाए ना, बी की जगह पूरा रखना, पहली चीज ब्रैकेट लगाइए। ए की जगह कितना रख दोगे? अच्छा अल्फा की जगह कितना रख देंगे बच्चों? अल्फा ही। बीटा की जगह क्या रख दो? अच्छा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या एक लाइन, आप लोग को होशियार मान के, 3 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। डायरेक्ट लिख दूं? लिख दूं ना, समझिए भाई। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ये किसकी वैल्यू है? अल्फा की। अभी किसकी वैल्यू बाकी है? अल्फा की तो निकल आई, हमको निकालना किसका था? ए की वैल्यू निकालनी थी। कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है? तो अल्फा इंटू, भाई दो फॉर्मूले लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? सी की जगह कितना लिख देंगे? डायरेक्ट लिख दूं? ए की जगह कितना लिख देंगे? घर में जाके जरूर लगाइएगा, वीडियो देख सकते हैं ना जहाँ पे भूलें। अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू है, अल्फा की जगह क्या रख देंगे? अल्फा ही। बीटा की जगह क्या रख देंगे? 2 अल्फा। अरे बीटा 2 अल्फा है ना, तो एक्चुअली में कितना हो गया? बहुत अच्छे। 2 से 2 क्या हो जाएगा? मर सकता है कि नहीं मर सकता है? कट सकता है। अच्छा अल्फा की जगह क्या रख दूं? अल्फा की जगह बच्चों क्या रख दूं? अल्फा की जगह क्या रख दूं? हाँ ये वाला बोल दीजिए बस, कुछ तो बोलिए। बड़ा नहीं हो गया, 2 लाइन का सवाल है। अच्छा पूरे का स्क्वायर लगा है तो क्या होगा? ऊपर वाले का भी और ऐसा ही तो होता है, ऊपर वाले का भी और। अच्छा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाद में हल करेंगे। सवाल में यहाँ 3 था क्या? चुप रहिए यार, जब बोल रहा हूँ कि बाद में बोला करिए। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 5a+3 है ना? ओके ओके ओके, तो 3 को भी रखा रहने दीजिए ना। कहाँ पे रखेंगे? अल्फा की जगह यहाँ पे रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, अल्फा एक्चुअली में ये है, इसमें नीचे क्या है? 3। देखिएगा इसका भी स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान देने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे आके फंस जाओगे, लेकिन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार मल्टीप्लाई। तो एक तो एक से कट ही जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अभी नीचे से कहाँ चला जाएगा?
अब हल करिए, आंसर बताइए, मैं रोकता हूँ, सवाल कठिन नहीं था। अच्छा, इसके आगे सॉल्यूशन पे नज़र डालें तो अब इधर से देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, एक एक लाइन लिखते हैं, ये क्या बचा, -3a+1 का, ये नीचे से ऊपर गया तो हो गया a² - 5a+3। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, a - b² ए प्लस बी का कैसे लगा दे, कुछ भी लगा दे, ये लिख दूं ना, अरे ए प्लस बी का, हाँ तब भी ए प्लस बी का लगेगा यार, ये बात तो वही है ना, a - b तब भी लगेगा, a - b, हाँ ये a को -3 मान ले, गुड। अच्छा सूत्र बताइएगा, a² मैं उल्टा लिख दूं तो कोई डाउट है, 1 को पहले, इसको इधर, अब तो समझ गए ना, a² + -2ab, सूत्र याद है, a² + b² - 2ab, 6, ये आप सबको आता होगा, 9 का अंदर गुणा होगा, 9 × 5, देखिए दूसरी गलती जो लड़के कर रहे हैं, 9 का गुणा सब में होगा, ये 3 सबके बाहर है, 9 का गुणा किस में होगा, सब में होगा। अच्छा 1 का स्क्वायर, ए बच्चों बताइए कुछ कट रहा है क्या इधर से इधर, 9a² से, अब ए वाले एक तरफ कर दें, ये इधर से इधर आएगा तो किस में आएगा, ये किस में है, 27 में से 1 घटेगा, 45 में से 6 घटेगा, 27 में से 1 घटेगा, गुड़े से कहाँ चला जाएगा, पहाड़ा जानते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक एक लाइन सही से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है लिखने की, पर गलत नहीं करिए। अच्छा आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की 2 विधियाँ हो सकती हैं, एक विधि हो सकती है धराचार, एक हो सकती है आपकी गुणनखंड विधि, हम दोनों विधियों से इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब कुछ समझ में ना आए तो आप क्या लगा दीजिए, धराचार, क्योंकि वैसे करने में गड़बड़ी हो सकती है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और आते हैं, ए कितना है बच्चों, बी कितना है, अच्छा कैपिटल ए से लिख दूं ना, क्योंकि ये बी क्वेश्चन का ही पार्ट है, बी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, अच्छा सूत्र क्या होता है धराचार का, सॉरी, अच्छा ये तो सूत्र रखने की बात है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में सबको रखना है, इधर देखिएगा बी की जगह कितना रखूंगा मैं, -12a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देखते जाइए, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करें, माइनस का हो चाहे प्लस का वर्ग, हमेशा कैसा होता प्लस, 12 × 144a² -4ac, डायरेक्ट लिखता हूँ, ए की जगह कितना लिखेंगे, 36 चौको, बहुत लोगों ने किया है, 144, और सी की जगह क्या रखेंगे, मैंने डायरेक्ट वैल्यू है रखी है, इधर देखो भैया 4ac, ए की जगह कितना रखा, 36 चौको, 144, सी की जगह क्या रखा, ब्रैकेट क्यों लगाया, जो भी होगा मल्टीप्लाई दोनों में होगा, अपॉन में 2a का मतलब x बराबर, क्या ये 12 से इसको काट सकता हूँ, नहीं, प्लस माइनस है ना, ये तो पूरे से कॉमन हो, वेरी गुड, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैथ में आपको सही बनाती हैं गलत बनाती हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -144a², ये तो बहुत सरल था, माइनस माइनस 36 × 72, x = 12a +
माइनस, ये प्लस वाला माइनस वाले से क्या हो जाएगा, 144 बी स्क्वायर से कुछ ये बचेगा। चलिए पहले लिख दूं, लिख दूं, लिख दूं, माइनस 12 ये था तो सूत्र में क्या होता, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस है, ठीक है ना। एक बार क्या ले लेंगे बच्चों, एक बार क्या ले लेंगे, 72 72। अच्छा 144 से क्या बाहर आ जाएगा, 12, बी स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा, प्लस ले रहे हैं ना, दोनों में क्या कॉमन है, 12 क्या बचेगा, 12 छंग x इक्वल टू ए प्लस बी बाई सिक्स, माइनस लेने पर x इक्वल टू हो जाएगा 12 ए माइनस 12 बी, दोनों में क्या कॉमन है, क्या बचेगा ब्रैकेट में, अपॉन 12 छंग। एक्चुअली में आंसर कितना आ गया, ये पहला ये दूसरा, क्या सवाल कठिन था, सवाल नहीं कठिन था, करना कैसे था, केयरफुली करना था। अब हम करते हैं इसी को दूसरे मेथड से। एक भैया ने गुणनखंड बनाया, एक उधर भी भैया बना रहे थे, इसका गुणनखंड बना, वेरी गुड। देखिए इसका स्टेप होता 36 91, 36 के ऐसे फैक्टर करें, बातें ना करिए, किस दिन उठा के फेंक दूंगा बाहर, बहुत दिन हो गए, पढ़ना तो मन से पढ़िए, नहीं तो फिर मत पढ़िए मुझको। चलिए अच्छा इसको अगर हल करें तो इस सवाल को एक हल करने का होता है गुणनखंड मेथड ना, गुणनखंड विधि भी हो सकती है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो गुणनखंड विधि क्या बोलती है, इसका इससे गुणा कराइए, 36 का इससे होगा तो कितना बन जाएगा, 36 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 36 के ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं कि छा छंग न चौको, कुछ भी हो सकता है, पर हमको चाहिए क्या, 12 चाहिए कि नहीं चाहिए, 12 चाहिए, तो छा छंग 36 छः छः 12। अच्छा ये तो समझ में आया नंबर का, इसमें कुछ लिखा ये भी, इसके सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या इसकी और कोई पॉसिबिलिटीज है, नहीं है इसकी कोई अन्य पॉसिबिलिटीज नहीं है। अच्छा थोड़ा गौर से देखें ना, मुझको बी गायब भी करना है, बी गायब कैसे होगा, इनको जोड़ने पर कि इनको घटाने पर, दोनों को जोड़ने पर, दोनों कैसे करने पर, क्योंकि अगर इसको इससे जोड़ दूं तो क्या कॉमन आ जाएगा, 6 ए प्लस बी ए माइनस बी, बी से बी ए कितना हो गया 2a, 6 दूनी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100% इनको जोड़ने से आएगा, लेकिन चाहिए क्या माइनस का, जोड़ना भी है लेकिन माइनस का चाहिए, तो दोनों किसके ले ले, यहाँ पे ये लिख लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, हल कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सवाल क्या कठिन था, सवाल नहीं कठिन था, इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों आपके क्वेश्चन ये हैं कि इसमें आपको सॉल्व करना है, यदि रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा हम पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा a कितना है, एक, बी कितना है, सी कितना है, पूरा। अच्छा डी किसके इक्वल होता है, यदि रूट्स किसके इक्वल हैं, समान हैं, डी की जगह, बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह कितना लिख सकता हूँ, सी की जगह कितना लिख सकता हूँ, पूरे के बराबर किसके कर देंगे, 3 त्रिकाई 4 91। अच्छा माइनस 4, अब देखिए गड़बड़ कहाँ पे करते हैं, हजार बार गड़बड़ करते हैं, माइनस 4 91 माइनस 4, माइनस 4 का इससे होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस। अच्छा माइनस 4 का इससे भी होना है, माइनस माइनस 4 3 12। अब क्या इसमें कुछ बचा है, ना कर पाओ तो क्या करिए, डूब जाइए ना चुल्लु भर पानी में नहीं। अच्छा 9 4 छा छंग 6 6 12।
एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉमन ले लीजिए। अच्छा एक्चुअली में टी एम टू एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर है। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों आप लोगों ने किया और ये निकल के आया कुछ ऐसा, इसका मतलब क्या है? अरे जब दोनों सेम ही हैं तो या ना बोलो, ना ही उससे कोई मतलब नहीं। एम की दो वैल्यू भी हो सकती हैं। अरे वो तो एक्स का एक ही मान आएगा ना, एम तो कुछ भी हो सकता है, समझिए ना, वो एक्स का एक मान आएगा, एम अलग है। अच्छा एम की वैल्यू कितनी आ गई, या इसका क्या है? छोटा था, सरल था। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा आपके सामने क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इसका आंसर देना आसान है। मान लीजिए आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो आप रख के चेक करें लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाए, राइट तो आंसर मिल जाए कि नहीं। लेकिन अगर पेपर में आता है तो फिर वो तो काम नहीं आएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको कराए हैं और उसके लिए मैंने पहली चीज़ बोली, इनको सबको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए। एक दिन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या इसको ये लिख सकता हूँ, यस या नो? लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ, क्योंकि आधार समान पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस वन, गुड। इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, हाँ बाद में कर लेंगे, वेरी गुड। अच्छा ये है फिर से जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 में से माइनस एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, बहुत अच्छे, 5 × 25 = 125, 126। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे के हिस्से पे जाएं, क्या इसका इससे गुणा करा सकते हैं? नहीं, पहले पावर सॉल्व होती, फिर नहीं तो फिर बदल ना गया, फिर तो सवाल ही ना बदल गया, वेरी गुड। चाहे इधर लिख दूं चाहे, लेकिन एक रूल आपने 5 का स्क्वायर, अच्छा एक नियम पढ़, हाँ 5/x नहीं 5 की पावर x। रूल क्या बोलता है, यदि घात को चिन्ह बदलना है, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऊपर नीचे करने पर साइन चेंज हो जाता है, क्लास 9th रूल्स ऑफ घातांक और करणी। अच्छा इस सवाल को देख के समझ में आ गया, 5 की पावर x कितनी बार दिख रहा है, बहु बार दिख रहा है, काट कैसे देंगे? अरे कुछ मान लो सवाल खत्म, कुछ मान लो सवाल, 5 की पावर x को क्या मान लीजिए, बाद में देखा जाएगा। अच्छा ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, चलिए अब हल करिए, आंसर बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा इसके आगे सॉल्यूशन पे गौर करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 y y से y। अच्छा भैया अच्छे से करिएगा ना, नीचे से कहाँ चला जाएगा, ये सब लोगों ने कर लिया है, ये इधर से इधर आएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा अगला स्टेप है इसका, इससे 25 × 125 = 26 कैसे बनेगा, 125 × 125, क्लियर है ना भैया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा दोनों में क्या कॉमन है, क्या बचेगा, गलत कर दिया क्या, अरे यार 5 रुक जाइए भाई, अच्छा, अरे रुको गधों, वाई बस बचेगा, 5 y y, अच्छा 5 निकल गया y निकल गया, तो 25 × 25 इसमें क्या कॉमन है, -1, एक में क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, या तो ये जीरो, या तो ये जीरो, या दोनों जीरो। y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, एक्चुअली में y का मान नहीं निकालना था, y की जगह क्या लिख दीजिए,
गुड 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 गुड, बस 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 हो गया। अच्छा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर का साइन चेंज हो जाता है जब नीचे से ऊपर जाती है। और ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड। और रूल क्या बोलते हैं? यदि ये सेम है तो ये भी, तुलना करने पर x इज इक्वल टू माइनस एक, x इज इक्वल टू दो। क्या आंसर चेक कर सकते हैं सही गलत है? उसमें रख रख के चेक करिए तो यही बनना चाहिए।